ब्यूटिफुलेंजलिक वेरो हिंदी और ये है आपकी नोवर लाव एंड वर्क फोरकास्ट फॉर कैंसर जी हाँ अगर आपका सनसाइन मूनसाइन राइजिंग साइन किसी भी एस्ट्रोलॉजी से कैंसर में है तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी कैंसर को जानते हैं क्रॉस वॉच कर लीजिए फ्रेंड्स उनके लिए ये रीडिंग ऑल्सो फ्रेंड्स ज्वाइन करें चैनल मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें मैं रोज़ पोस्ट करती हूँ फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस रीडिंग हमारी मेन चैनल मैजिक वेंस टेरो पे है फ्रेंड्स अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो आपको आपका मनपसंद का कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा सो मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो फ्रेंड्स जो ट्वेंटी ट्वेंटी uh, जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन की रीडिंग्स हैं वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं जल्दी से ऑल्सो आप नवंबर की पिग कार्ड रीडिंग्स देख लीजिए इंग्लिश में मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन की रीडिंग्स पहले ही कर दी वो भी देख सकते हो एंड uh, uh, Instagram पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आर वेबसाइट पर्सनल रीडिंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन आप बुकिंग स्टार्ट हैं आप करा सकते हो अपनी लोड uh, uh, अभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं फ्रेंड्स तो थोड़ा सा पेशेंस रखो आई विल रिप्लाई बैक टू यू थैंक यू सो मच Uh, चलिए uh, uh, कैंसर्स देखते हैं आपका मंथ कैसा रहेगा आई विल नॉट टेक इट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शफल आपके कार्ड्स ऑलरेडी जंप आउट बहुत कर रहे हैं कैंसर्स चलिए देखते हैं आपका नवंबर कैसा रहेगा थीम ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर फॉर कैंसर्स एस ऑफ एंटिकल्स द एम्प्रेस एंड द पेज ऑफ वॉन्स दिस इज ब्यूटिफुल आपकी खुद की एनर्जी है कैंसर्स द एम्प्रेस चलिए देखते हैं आई डों फील फ्रेंड्स नवंबर में थीम जो है आपका न्यू स्टार्ट्स रहेगा या पैसा और वर्क और यू you नो know, आप ज़्यादातर अपने ड्रीम्स पे काम करेंगे पैसे पे फोकस कर रहे हैं वर्क पे फोकस कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके या जो भी सपने हैं आप उन पे फोकस करेंगे आप उन पे वर्क करेंगे इस मंथ आई ऑल्सो फ़ील यू या तो यू माइट बी बिकमिंग प्रेग्नेंट दिस मंथ और हो सकता है यू माइट बी हैविंग अ बेबी दिस मंथ सो कंग्रेचुलेशन आई ऑल्सो फील केफ यू आर अ मदर अगर आप मदर uh, या फादर हैं यू विल फील वेरी स्ट्रॉ यू नो यू विल फील कनेक्टेड टू योर हार्ट सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़्यादातर अपने ड्रीम्स पे यू नो नई नई चीज़ें आपके मन में आएंगी हम ये करें हम ये स्टार्ट करें जैसे आई सी यू प्लांटिंग काफ़ी ऐसी चीज़ों पे आप वर्क करेंगे कि हम ये कर लें हम वो कर लें आपका मन करेगा यू नो चीज़ें स्टार्ट करने का या उनमें टाइम इन्वेस्ट करने का आई ऑल्सो फील मनी आ रही है इस मंथ आपके लिए एंड द पेज ऑफ वानस कोई एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए इस मंथ आई ऑल्सो फील कि कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी का आप आ सकती है या आप खुद क्रिएट करेंगे यू you नो know? या तो जॉब में कोई आ सकता है कि कोई आपको क्या है कि ये काम कर सकते हो या आप जैसे कोई बिजनेस डील आ सकती है मुझे लग रहा है आप खुद मैनिफेस्ट करने वाले हैं आर वर्किंग ऑन मैनिफेस्टिंग और आप उस पर वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं सो इट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट फॉर यू इन नवंबर आपका ऑल्सो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपके कार्ड्स भी जंप आउट हो रहे थे सो यूर विल बी वेरी एक्साइटेड दिस वन सो थीम इज़ वेरी नाइस चलिए देखते हैं आपका लव लाइफ कैसी रहेगी कैंसल्स एंड फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी इम्पेश हो जाते हो क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स आई आई हैव लाइक काफ़ी सारे चीज़ें रहती हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ़ एफर्ट फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि रीडिंग्स uh, यहाँ पोस्ट करना इज़ लाइक like, एकदम चाइल्ड्स प्ले यू नो इंस्टेंटली मैगी बनाने जैसा नहीं ऐसा नहीं है काश ऐसा होता इट्स नॉट लाइक दैट आई विश इट वॉज लाइक अ टू मिनट जॉब बट इट्स नॉट इट टेक्स अ लॉड ऑफ एनर्जी इट टेक्स अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग सपोर्टिंग एंड थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है काफ़ी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स इट टेक्स मी अ टाइम और आई आपने देखा है मैं कभी हॉलीडे भी नहीं लेती हूँ सो दैट ऑल्सो इज देयर एट ऑफ कप्स द फेज ऑफ पेंटिकल्स द टू ऑफ वॉन्स लव लाइफ फॉर और इन नवंबर द किंग ऑफ स्वाज The wheel of fortune okay the ten of swords the king of cups the knight of cups sorry what is this ending about okay and love life for cancers for november Ooh, coffee sorry people involved in relationship friends है, family है. जी हाँ काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे आई डोंट फील आप लोग या तो किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज के साथ इन्वॉल्व हैं या इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए आई ऑल्सो फील के कोई एरीज लियो सैज सेजिटेरियस पर्सन इम्पॉटेंट हैं या केप्रिकॉन वर्गो टॉरस काफ़ी लोग इंपॉर्टेंट हैं आई फील आप स्टार्ट कर रहे हैं ये मंथ को कैंसर्स फीलिंग के uh, कोई चीज़ सही नहीं चल रही है आपको उससे आउट करा है या आप थोड़े दुखी हैं किसी पर्सन ने आपसे मूव अवे कर लिया कोई रिलेशनशिप में सो so, या तो आपने करा या किसी पर्सन ने आपसे करा है मूव ऑन तो आप थोड़े से दुखी हैं थोड़े से अपसेट हैं थोड़े से मूडी स्टार्ट है आपका ये जो मंथ है इसका एंड इसीलिए आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं लव में इसलिए आप लोगों ने जो है पैसे पे वर्क पे फोकस चेंज कर लिया है कि अरे यहाँ तो डिसअपॉइंटमेंट है तो चलो काम पे ही फोकस कर लेते हैं इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन वर्क ऑन फ्रेंडशिप्स या लाइफ के गोल्स पे आपने अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया क्योंकि कोई एंडिंग हुई है या आपने मूव ऑन किया या कोई पर्सन ने मूव ऑन किया है आपसे तो आप थोड़े से दुखी हैं डिसअपॉइंटेड एनर्जी है ये लव में बट जो सेकेंड वीक है नवंबर का वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है चेंज आ रहा है आई फील कोई पर्सन बहुत इमेच्योर है वो बार बार आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं या ये जो पर्सन है ये ज़्यादा कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते सो देर इज़ एन एम इन दैम आई फील फ्रेंड्स के और फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि ना आप हिंदी में इंग्लिश मत बोला करो फ्रेंड्स मैं जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ आपको नहीं पसंद आ रहा आप कोई और चैनल देख लो बिकॉज आई एम डूइंग वॉट आई कैन डू अब आपको हर चीज़ में मतलब यू नो इट्स इट्स नॉट आप कभी खुश होगे नहीं वाली बात है मैं आपको जन्नत भी ला दे दूँगी तो भी आपको खुशी नहीं होने वाली है सो so फ्रेंड्स हम ये कर सकते हैं कि मैं तो मैं मुझे हिंदी उर्दू इतनी अच्छी आती भी नहीं थी आई हैव स्टार्टेड मेरी हिंदी उर्दू अच्छी हो गई फ्रेंड्स आप लोग भी सुना करो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग बिकॉज आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है सो so हम यहाँ बेहतरी पे सोचेंगे रेदर देन हम नुक्स निकालें क्योंकि नुक्स तो सभी जगह हैं अभी परफेक्शन तो कहीं नहीं होता फ्रेंड्स कोई फ्लावर परफेक्ट नहीं होता है सो प्लीज़ ओवर लोकेट और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप कोई और चैनल देख लो फ्रेंड्स चॉइज की कमी नहीं है मैंने आपको कभी फोर्स भी नहीं किया है इट्स योर फ्री विल मैं जो कर सकती हूँ आई एम डूइंग इट दर आर टू ऑफ वॉन्स डेफिनेटली दिस इज़ अबाउट के कोई पर्सन आ रहे हैं आपके लिए मेचोरिटी लेके एंड आई डो फील के ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर थे लेकिन सेकेंड वीक ऑफ नवम्बर में जो है चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन वापस खुलेंगे एंड एक स्टार्ट वापस से आएगा ये जो पर्सन छोड़ के गए थे दे वॉन्ट टू कम बैक और या आप लोगों की वापस बात होगी सोशल मीडिया पर या वो आपको ऑनलाइन मैसेज करेंगे आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू बट आई डू सी सम मेच्योरिटी कमिंग बैक उन आपके पर्सन में और उसके बाद वो आपसे बात करेंगे आई डू सी अ पॉजिटिव चेंज कमिंग इन योर लाइफ इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर मिड ऑफ नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि पास्ट को लेके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं आप जो पास्ट में एंडिंग्स हुई थी उनसे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं कि ये क्यों एंड हुई चीज़ें क्या था किस लिए था सो so, काफ़ी आपको जो है आ, काफ़ी थोड़ी सी एक चिंता रह सकती है मुझे लग रहा है पास्ट को लेके कि ये एंडिंग जो हुई थी इसके बाद क्यों आ रहे हो वापस सो यू विल हैव टू आस्क आप पूछेंगे किसी से कि ये एंडिंग जो थी ये क्या था और क्यों की थी आपने आई डू फील कोई पास्ट पर्सन वापस आना चाहते हैं दे विल ऑफ़र लव टू यू मैसेज करेंगे वो प्रपोजल भी देंगे आपको या बात करना चाहते हैं uh, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स के Uh, आपकी रिलेशनशिप जो है वो फैमिली की वजह से अफेक्ट हुई है या वो मैरिड हैं इस वजह से अफेक्ट हुई है या आप मैरिड हैं इस वजह से अफेक्ट हुई या मैरिज को लेके चीज़ें यू uh, नो you know, बातें मैरिज पे लेके अटक गई हैं इसलिए आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है सो दे विल ट्राई टू स्टेल यू आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के कैंसर्स uh, इस मंथ जो है आपकी रिलेशनशिप्स आपके पेरेंट्स या आपके लव्ड वंस के पेरेंट की वजह से अफेक्ट हो सकती है सो गेट कीप दैट इन माइंड कि या तो आपके पेरेंट्स या फैमिली या इन लॉज वो आपकी अफेक्ट कर सकते हैं लाइफ को या रिलेशनशिप्स को तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है ये चीज़ मिड ऑफ द मंथ ये है कि आप अच्छा रहेगा आपका मंथ लेकिन आप इस पर्सन से पूछेंगे कि क्यों आए हो क्या चल रहा है पास्ट में जब गए थे तब क्या हुआ था यू वांट आई वुड से कि टेक अ स्लो एंड स्टडी अप्रोच यहाँ जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी सी मुझे लग रहा है जल्दबाजी में गलतियाँ हो सकती हैं अगेन एंड ऑफ द मंथ में जो है आई डू फील के ये पर्सन बहुत ही पैशनेटली आएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा यू you नो know, आपको एक बहुत श्योर और कॉन्फिडेंट अप्रोच लेके आएंगे कि अरे हम ये अचीव कर लेंगे चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी दे विल ओवरकम इट दे विल बी लाइक आई विल गिव यू द सेवन मून्स एंड बी लाइक चांद तो एक ही है यू नो दे लाइक नहीं हम तो आपको साथों के साथ तो देंगे कि भाई चाँद तो एक ही है कि नहीं हम जुपिटर वाले सात लाख के देंगे बट जुपिटर के आप कहेंगे कि ग्यारह हैं शायद उससे भी ज़्यादा है विल बी लाइक व्हाट सो दे आर गोइंग टू प्रॉमिस यू एवरी थिंग यू नो तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्योंकि मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि ये पर्सन थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके सो यू विल हैव टू थिंक थिंक uh, थ्रू आपको सोचना पड़ेगा और पेशेंटली कि ये क्या करना आप क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन में ये वापस आ रहे हैं बहुत प्राउडली बहुत सुपर अचीवर एक 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 कैसे कहेंगे इसको ओवर कॉन्फिडेंट के साथ हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल भी आ रहा हो आपको इस मंथ या uh, कोई और पर्सन भी आपके लिए आ रहे हैं एरीज लियो सैज या एक्वेरियस लिब्रा जेमिना सारे ही एक्चुअली साइंस आपके लिए आए हैं अर्थ साइन एयर साइन फायर साइन वाटर साइंस तो हो सकता है कोई और पर्सन भी आ रहे हो तो यू विल बी लाइक अब हम किसको चूज़ करें इनको उनको एट द एंड ऑफ द मंथ आई डू फील फ्रेंड्स के जो आपकी रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे आई डू फील कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे और अपना दिल जो शेयर नहीं कर रहे थे वो कर पाएंगे सो यू विल फील वेरी हैप्पी यू विल फील कैंसर आपकी खुद की एनर्जी और ये देखिए तो आपको एक तसली मिलेगी कि येस फाइनली थिंग्स आर गोइंग परफेक्ट बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि बहुत ही आइडियलिस्टिक सी रिलेशनशिप है इसमें थोड़ी पैशन का कमी है नमक की कमी है तड़के की कमी है सो ये वो वाली दाल है जो मखनी लेकिन है तो मखनी लेकिन इसमें तड़का लगाना लगाना भूल गया या बाकी है सो यू आर लाइक अच्छा अभी तो मिड ऑफ द मंथ में तड़का लग रहा था लेकिन लगते लगते लगा ही नहीं सो द फूडी एंड मी ए स्पीकिंग फ्रेंड्स या अब फिर भी आप कहते हो देखो कि मैं हिंदी में या उर्दू में नहीं बोलती फ्रेंड्स आई डू स्पीक इट इज़ नथिंग लाइक दैट आप लोगों को क्या है कि यू वॉन्ट परफेक्शन बट अगर हम नहीं हो सकता कोई परफेक्ट नहीं है नहीं होगा आपको कभी नहीं अगर खुशी होनी है तो इधर हो जाओगे नहीं होनी तो कभी नहीं होनी <laughs> सो या इट इज़ लाइक फ्रेंड्स के uh, आपको लगेगा सब चीज़ सही हो गई इस रिलेशनशिप में बट कुछ तो लैकिंग है सो so, एक अजीब सी आपको ना सुख सुगाहट सी रहेगी कि ओह क्या हो रहा है यहाँ यू नो यू आर क्रेविंग फॉर मोर सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ है आपका कैंसर्स उतार चढ़ाव से भरा हुआ आपके लिए एडवाइस देखते हैं फॉर दिस मंथ ये कारण आना चाहता है डे ड्रीम्स एंड डिसीजनस जी हाँ आई डोंट फील आपको चॉइस मिलेगी आपको डिसीजन भी हैं इस मंथ आपकी लव लाइफ में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या करें तो आप सोच समझ के काम कीजिए मेरे हिसाब से तो या जस्ट ब्रीथ फोर ऑफ़ कप्स देखिए फोर ऑफ़ कप्स एंडिंग पे भी था मंथ की एंडिंग में वही तो जो मैं आपसे कह रही थी ना थोड़े से तड़के की कमी है यू आर लाइक सब बढ़िया चल रहा है Uh, पर ये पता नहीं चीज़ें ऐसे धीरे धीरे क्यों चल रही हैं सो यू आर लाइक थोड़ा सा और मज़ा आ जाए यू वॉन्ट दैट यू नो आप क्रेव कर रहे हैं आई ऑल्सो फील के थोड़ा सा रिलैक्स रहिए ये रिश्ता ठीक हो जाएगा बेहतर होएगा आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को प्रोजेक्शन या मिरर करते हैं यू you नो know? आप दोनों एक दूसरे की परछाई की तरह हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इसलिए या कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं इस वजह से आपकी रिलेशनशिप में

द फूल येस फ्रेंड्स एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके लिए आपकी लव लाइफ में या तो पुराने पर्सन के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ सो so, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए चलिए आपकी वर्क और एजुकेशन uh, मनी देखते हैं फॉर द मंथ किंग ऑफ़ पेंटिकल्स जी हाँ आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं इस मंथ uh, काफ़ी ज़्यादा वर्क पे uh, देखिए एम्प्रेस की एनर्जी तो वर्क पे काफ़ी फोकस है आपका कैंसर देयर ऊप्स फ्रेंड्स oh कैंसर्स इस मंथ जो है आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले या अगर आप नहीं निकल रहे हैं अपने वर्क में कंफर्ट जोन से नहीं रेडी हैं तो आप फोर्सफुली निकाले जाएंगे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर क्यों क्योंकि ये ज़रूरी है जैसे आप ना अपने घर से छोड़ के अब बाहर मूव आउट नहीं करना चाह रही या आपको डर लग रहा है या आप कुछ नया स्टार्ट करने से घबरा रहे हैं या आपको पता है कि यू you नो know, आप और अच्छा कर सकते हैं लेकिन आप घबरा रहे हैं तो अगर आप कहीं पे भी अपने कंफर्ट जोन से जोन में अटक गए हैं तो आप उससे खुद ब खुद बाहर निकाले जाएंगे थ्रू द यूनिवर्स आई ऑल्सो फील कि कोई uh, आपके लिए सडनली कोई चीज़ आ सकती है न्यूज़ या मैसेज Uh, जैसे आपके कोई सडन एग्ज़ाम आ गया आपको पता नहीं था वो एकदम ही आ गया लेकिन तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है फ्रेंड्स uh, जैसे ये मनी एस ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स भी है सो यू हैव टू बी रेडी कोई सडन मैसेज आएगा जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है लेकिन अगर आप अभी से तैयारी कर लोगे ना ये देख के रीडिंग तो आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे आप अचीव कर सकते हो इसमें सक्सेस इवन अगर आप स्टूडेंट हैं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अच्छे से देख के जाएं कोई एग्ज़ाम वगैरह हो मुझे लग रहा है आप किसी और चीज़ की पढ़ाई करके किसी और के एग्ज़ाम में जा सकते हैं यू नो लाइक यू प्रिपेयर बायोलॉजी बट यू एक्चुअली एग्ज़ाम था मैथ्स का या यू नो डेट्स चेंज हो गई या टाइम चेंज हो गया है सो स्टे केयरफुल न्यूज़ अच्छे से पढ़ें मैसेजेस अच्छे से चेक करें डबल चेक करें ऑल्सो फ्रेंड्स अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा ना करें बिकॉज आई थिंक कुछ पर्सन अपने ईगो में हैं आपके वर्क वगैरह पे तो वो ज्यादा सही नहीं रहेगा प्यार मोहब्बत पे फोकस करें इस मंथ एस ऑफ वॉर्स जी हाँ बहुत ज़्यादा यू नो आप बहुत श्योर हैं कैंसर्स और आप बहुत बोल्ड एनर्जी में भी हैं आप बहुत एक्सप्रेसिव भी रहेंगे इस मंथ या आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी रिलेटेड सीखने वाले हैं यू you नो know, या आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम करेंगे बहुत ज़्यादा इवन uh, आप अगर वुमेन भी हैं लड़की भी हैं तो आप मुझे लग रहा है हाउस वाइफ भी हैं तो आप हो सकता है घर से टीचिंग वगैरह शुरू कर दें या ख़ुद कुछ सीख रही हैं सो यू विल बी स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम आप जो है uh, वर्क फ्रॉम होम या उ, मतलब जो ऑनलाइन जो है उससे करेंगे आई डोंट फील आप वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं या आप जैसे आपको पता नहीं है यू नो एकदम से आपको वर्क फ्रॉम होम वापस से करना पड़ गया तो यू you नो know, ऐसा रहेगा कुछ सरप्राइज़ ज़रूर रहेंगे इस मंथ आपके लिए वर्क और करियर में कुछ लोग आपसे थोड़े अपसेट रहेंगे तो आपको थोड़ा सा उनको पैसीफाई करना है कहीं पर आपको बोल्ड भी होना पड़ेगा आपको काफ़ी वरीज हैं अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपके लोग अगेंस्ट काम कर रहे हैं आपको सक्सेस नहीं मिलेगा आपको रातों की नींद उड़ी हुई है फ्रेंड्स क्योंकि पैसे नहीं आ रहे या यू नो uh, you know, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा फ्रेंड्स पैसे आ रहे हैं एज ऑफ वॉन्स एस ऑफ पेंटिकल्स दी एम्प्रेस आप अपना काम करते रहिए तसली से और बिल्कुल पैसे आ रहे हैं ज़्यादा वरी एनजाइटी से टाइम ही वेस्ट हो रहा है और हेल्थ भी खराब हो रही है चलिए देखते हैं वॉट इज़ योर एडवाइस ये देखिए ओपन ऑफ वॉन्स आई डेफिनेटली फील कोई बिजनेस पार्टनरशिप या कोई न्यू पार्टनरशिप ऑफर आ रहा है आपको आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के कोई यू नो आई डू फील के कम्युनिकेशंस जो है थोड़े से क्यों you नो know, आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि आपको क्या चाहिए या आपको थोड़ा स्टैंड अप करना पड़ेगा अपने लिए तो वो चीज़ ज़रूर है आप कोई चीज़ रिलीज़ एंड करके आगे भी बढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है डेथ की एनर्जी है तो आप कोई चीज़ वर्क वगैरह में एंड करेंगे या कोई वरी वगैरह ख़त्म करेंगे और कुछ नई तीज की तरफ आगे बढ़ेंगे पैसा है प्रोग्रेस है या नई नया जॉब या आप किसी करियर में वापस चले जाएंगे जो आप छोड़ना चाह रहे थे चूज योर बैटल्स जी हाँ मुझे लग रहा है वर्क में आपके या वर्क को लेके या जैसे आप स्टूडेंट हैं आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपको उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बट फ्रेंड्स यू कैन अवॉइड इट एंड एक्चुअली आपको अवॉइड करना चाहिए इस मंथ क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा आप उस उस एनर्जी को अपने ड्रीम्स बिल्ड करने में लगाइए क्लैरिटी ब्रेक थ्रूज आर कमिंग जो आपको चाहिए वो आ रहा है इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें आराम से शांति रखें काम करते रहिए चलिए एक्स्ट्रा मैसेज देखते हैं आउल आउल की एनर्जी और वेरी इंटेलिजेंट दिस मंथ और कैंसर्स आपको इस मंथ इंटेलिजेंटली बिहेव भी करना चाहिए क्योंकि आप बहुत लकी उसमें है मनी आ रहा है पैसा आ रहा है सो बी इंटेलिजेंट बी वाइज ट्री अफेयर्स विद योर फैमिली जी हाँ मुझे लगी रहा था कि फैमिली की वजह से कुछ आपके उतार चढ़ाव हो सकते हैं सन हैप्पीनेस एंड वेल बींग सक्सेस फैवरिट समिप अबाउट योर सीक्रेट जी हाँ ये हो सकता है वर्क में कि लोग गॉसिप वगैरह बहुत कर रहे हैं तो आपको गुस्सा आ जाए पिक बी अवेयर ऑफ ग्रीड आई डो फील कि आप ना ज़्यादा बोलने का आपको बहुत मन करेगा कि ये ना किसी से कोई हमें जवाब दे रहा है हम पलट के जवाब ज़रूर देंगे आपका ऐसा मन ज़रूर करेगा ऑल दो ये कैंसल्स की एनर्जी नहीं होती दे आर वेरी स्वीट दे आर वेरी पोलाइट बट इस इसमान ना बहुत एक सुपर एनर्जी में गया हम जवाब देंगे <laughs> ना दें फ्रेंड्स आप अपने काम पे फोकस करें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है आउल गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन आई डू फील फ्रेंड्स या तो आपको कोई एडवाइस मिलेगी या आप किसी को एडवाइस देंगे ऑल्सो आप बहुत इंटेलिजेंट है तो अपने इंट्यूशन पे फोकस करें रिंग यस मैरिज और कमिटमेंट विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस तो यस yes. मैरिज का कार्ड यहाँ पे भी है स्टॉर्क न्यूज़ और बर्थ ऑफ न्यूज ऑफ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखिए दो चीजें हैं दोनों ही बिजनेस या रोमांस में कुछ न्यू स्टार्ट का बता रहे हैं और डेफिनेटली मैंने आपको बोला है हो सकता है सम ऑफ यू विल बी गेटिंग प्रेग्नेंट या आपकी फैमिली में सम वन इज़ हैविंग अ बेबी रिसेंटली उनका बेबी हुआ है या होगा इस मंथ सो कंग्रेट्स कैट अ पिलर थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे अ चेंज इज कमिंग सो बहुत ही अच्छी आपके मंथ रहे हैप्पी नोवर मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो फ्रेंड्स ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेंस टेरो एंड दिस इज मिस्टिक सी सेग बाय